हमारे साथ डॉक्टर उदय कांत हैं और नीतीश कुमार के अंतरंग मित्र रहे हैं। नीतीश कुमार पर इन्होंने किताब लिखी है, हम इन्हीं से जानते हैं इस किताब में क्या खास है। इस किताब को लेकर लोगों में काफ़ी उत्सुकता है। उदय जी, सबसे पहले ये बताएं कि इस किताब को लिखने का मकसद क्या रहा आपका? वाह, बहुत अच्छी बात है। किताब, कोई भी किताब जब लिखी जाती है, बाज़ार में पहले से बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, तो सबको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि सारी किताबें लिखी गई किसी राजनेता के बारे में, नीतीश के बारे में, उसका परिपेक्ष पूरी तरह से राजनीतिक रहा। लेकिन किसी व्यक्ति को वहाँ पहुँचने में कितनी सारी चीज़ें काम में आती हैं, उनका परिवेश, परिवार, मित्र, पढ़ाई और आदर्श, सब जोड़ के व्यक्ति ऐसा बनता है। तो इस किताब में हमने उन सभी पहलुओं को पकड़ने की कोशिश की है जिसकी वजह से आज नीतीश कुमार नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार जी के बारे में मैंने यही महसूस किया कि जैसा वो दिखाना चाहते हैं अपने आप को, या जो उसको प्रोजेक्टेड सेल्फ बोलते हैं, और जो परसीव्ड सेल्फ है, जो उन्होंने अपने बारे में सोचा, दोनों में बहुत कम अंतर है। वो जो सोचते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, करीब करीब वैसा ही उनका बाहर में उनकी छवि आती है। तो इसलिए वो भी सुखी व्यक्ति हैं और लोगों को भी दुखी नहीं करते हैं। ये तो सब उनका परसेप्शन है ना, ये तो उनसे पूछिए कि क्यों उन्होंने ऐसा कहा। हर व्यक्ति, देखिए एक चीज़ समझिएगा, राजनीति में, जीवन में भी, अगर आप बहुत तेज़ चलने वाले हैं तो आपके पास, और आपके साथी आपके साथ चल नहीं पा रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो रुके, काफिले का इंतजार करिए कि वो आ जाए, जुड़ जाए आपके साथ, उसमें कितना समय नष्ट होता है, या फिर उसी स्थान पर जहाँ आप खड़े हो गए अभी जाके, वहाँ पर कौन लोग आपके साथ आगे चलने को तैयार है, उनके साथ चलिए आप। तो अगर आप उसको आप पलटू राम कह दीजिए, कुछ और कह दीजिए, तो खैर वो तो आपका परसेप्शन है। लेकिन नीतीश कुमार ने हर मोड़ पर ऐसी जगह पर निर्णय लिया जो उसको राज्य के लिए सबसे अच्छा लगा। सबसे बड़ा चैलेंज उनका रहा एक प्रिंसिपल को लेकर चलना, एक सिद्धांत को लेकर आगे चलना, उस पर टिके रहना, वो सबसे बड़ी बात उसके लिए। उसको उनको कभी मैंने उस सिद्धांत से हिलते ही नहीं देखा, आज तक नहीं देखा, जो सोचा उन्होंने कि राज्य के लिए क्या कर सकते हैं, देश के लिए क्या कर सकते हैं, ये उनके दिमाग में सबसे पहले रहा। कभी उन्होंने न अपने बारे में सोचा, न अपने परिवार के बारे में सोचा। सबसे बड़ी कमी लगी, वो बेईमानी नहीं कर पाए कभी, नैतिकता से वो कभी समझौता नहीं कर पाए। उनके पास कितनी, ये तो अच्छे बड़ाई है, कमी नहीं, ये कमी है आज की राजनीति में, बहुत बड़ी कमी है ये। उन्होंने बयान बदले किस तरह से, किस चीज़ के लिए, उनके जो नए बयान आए, आप हमेशा किसी चीज़ को निरपेक्ष होकर अगर देखेंगे और उस वक्त के परिपेक्ष में किस वक्त ये बात कहेंगे, उसका मतलब वहाँ निकलता है। आज अगर आप रामायण उठा के पढ़ना शुरू करेंगे और कितने लोग उसके बारे में कितनी बातें कहते हैं, तो उस काल के संदर्भ में अगर किसी चीज़ को देखेंगे आप, तो आपको सही लगेगी बात। आज आप देखना चाहेंगे 100 साल पहले क्या कहा, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा, तो उसका कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए चुनावी राजनीति के साथ उनके साथ जो परेशानियां उन्होंने देखी, इस वजह से चुनाव से भी उनका थोड़ा वो दूसरे ढंग से सोचते हैं, बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में सोचते हैं, वो मुझको मालूम नहीं है। मैं अखबारें नहीं पढ़ता, शायद आपको जाने ताज्जुब है, मैं अखबार नहीं पढ़ता और शायद टेलीविज़न भी नहीं देखता। मेरे पास सूचनाएँ जो मोबाइल में आ गई तो देख लेता हूँ, बाकी मेरा इन चीज़ों से ज़्यादा भरोसा नहीं। ये मैंने सोचा ही नहीं कभी, वो क्या बन सकते हैं ये मैंने सोचा ही नहीं कभी आज तक। हमारे साथ डॉक्टर उदय कांत थे और इन्होंने नीतीश कुमार पर महत्वपूर्ण किताब लिखी है। नीतीश कुमार के मित्र हैं तो किताब पर सवाल उठते हैं कि नहीं उठते हैं, इसका इंतज़ार भी हमें रहेगा। और इन्होंने जिस ईमानदारी से किताब लिखी है वो भी लोग देखेंगे। बड़ी बात यह है कि इन्होंने पूरी किताब मोबाइल पर ही लिखी है। पढ़ें प्रियम्बत, दैनिक भास्कर, पटना।